ऑनेस्ट आंसर, मंडली के बाहर. ओके, शिव निमृत स्टैन. आपने प्रिया को बोला नाम नहीं यार, और काफी लोगों का कहना है कि वो कलर स्पेस है प्रिया का सर. तो कलर स्पेस का मैं क्या करूं भाई, क्या है नहीं लेकिन अच्छा ठीक है चलो. एक चीज मैं बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट, पर उसके साथ साथ ये तीन लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट रहे हैं. निमृत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टनसी निभाई है हर बार उसको मिली है. शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए जो वो डिफरेंट है. और स्टैन उसके एक अलग अंदाज के लिए जो लोगों ने आज तक बिग बॉस में नहीं देखा है. बड़ा आप जिन तीनों की बात कर रही हैं, तीनों ही बैक फाइटिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ आज की डेट में. मेरी नजर में वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी दोस्ती है. आप मानती हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरे दोस्त हैं भाई. थैंक यू सो मच. सुमित आपने विनर का नाम दे दिया. स्टैन कुछ फर्क पड़ा क्या? ऑनेस्ट आंसर, प्लीज. ओके, ऑनेस्ट आंसर, मंडली के बाहर. ओके, शिव निमृत स्टैन. आपने प्रिया को बोला नाम नहीं यार, और काफी लोगों का कहना है कि वो कलर स्पेस है प्रिया का सर. तो कलर स्पेस का मैं क्या करूं भाई, क्या है? अच्छा ठीक है चलो. एक चीज मैं बहुत क्लैरिफाई कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस टुवर्ड्स माय मंडली, या ऑफ कोर्स दे आर माय फ्रेंड्स, आई लव देम अलॉट, पर उसके साथ साथ ये तीन लोग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट रहे हैं. निमृत अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के लिए, उसने जिस तरीके से कैप्टनसी निभाई है हर बार उसको मिली है. शिव हर एक झगड़े में जो ह्यूमर लाता है, हर एक झगड़े को मस्ती में बदलता है, वो उस तरीके के लिए जो वो डिफरेंट है. और स्टैन उसके एक अलग अंदाज के लिए जो लोगों ने आज तक बिग बॉस में नहीं देखा है. बड़ा आप जिन तीनों की बात कर रही हैं, तीनों ही बैक फाइटिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ आज की डेट में. मेरी नजर में वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी मेरी दोस्ती है. आप मानती हैं? ठीक है, मैं मानती हूँ, मेरे दोस्त हैं भाई. थैंक यू सो मच. सुमित आपने विनर का नाम दे दिया. स्टैन कुछ फर्क पड़ा क्या?